जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिनकी जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की हाय भी बहुत तेजी से लगती है। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है, याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है, और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है, उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। हमारी सरकार एक तरफ जिन लोगों ने व्यापारियों को प्रताड़ित किया है, बेटियों की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हैं, गरीबों का शोषण किया है, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक खतरा है, खतरा। और उन लोगों के लिए हमारे पहले से हम लोगों ने कह रखा है, भाई देखो अगर छेड़ा होगा तो छेड़ेंगे तो नहीं, कहीं भी चले जाओगे। के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना बलशाली क्यों ना हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। आप देख रहे होंगे इस समय विपक्ष के इन सभी चेहरों को देख रहे होंगे, इनकी भाषा एकदम देश के दुश्मनों जैसी भाषा है। आप देख रहे होंगे इनकी भाषा कैसे चल रही है, यानी जो लोग भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक इनकी भाषा दिखाई देती है। लेकिन भारत के गरीबों के लिए नहीं, भारत के दलितों के लिए नहीं, भारत के वनवासी और आदिवासियों के लिए इनके मन में कोई सहानुभूति नहीं। सहानुभूति होती तो इन गरीबों के हक पर इनके द्वारा डकैती नहीं डाली गई होती, कोई डकैती डालने की हिमाकत नहीं करता। ये इनके घड़ियाली आंसुओं से सावधान होने की आवश्यकता है। और जब लोकतंत्र में आपको अवसर मिले उस समय योग्य नेता का चयन और योग्य पार्टी का चयन करने की आवश्यकता है। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका, आपने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चयन किया। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।